जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक बहुत ही लेटेस्ट और मज़ेदार और हास्यास्पद वीडियो, जिसमें कैसे अब पाकिस्तानी इमरान खान बोलने लगे हैं कि मैं चीन और अमेरिका की बीच बचाव करके कहीं ना कहीं उनकी सुलह कराऊंगा। तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि इनकी खुद की औकात इतनी है कि ये एक दूसरे के आगे कटोरा फैलाते दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया में जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने जो जोक खिंडाया है, उस पर पूरा विश्व आज हंस रहा है, क्योंकि इनके खुद के घर संभाले नहीं जा रहे हैं। क्योंकि बलोचों ने जब से पाकिस्तान पे हमले करके पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई है और पाकिस्तान के सैनिकों को मार दिया, तब से पाकिस्तानी हुकूमत इसकी पैरवी कर रही है और इसको दबाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। जबकि इनके खुद के घर इनसे संभाले नहीं जा रहे, दूसरों की ये पैरवी और ठेकेदारी ठोकते रहते हैं। क्योंकि ये कभी इस्लाम के ठेकेदार बन जाते हैं, कभी ये ब्लॉक पूरे विश्व के आगे खेलने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये पूरे विश्व के आगे कटोरा फैलाते भी सामने नजर आ रहे हैं। वो इसीलिए ये हास्यास्पद बन जाती है कि ये चीन और अमेरिका की सुलह करवाने की तक बात करने लग जाते हैं। इमरान खान का खुद का मानसिक संतुलन आज इतना बिगड़ चुका है कि कहीं ना कहीं ये कुछ भी बोलते रहता है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट, कमर चीमा और हमीद वसीम की बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया गया इमरान खान की नीतियों पर और पाकिस्तान और बलोचिस्तान की नीतियों पर। दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, माता की जय। दोस्तों उन्होंने डिस्कशन की है वो ये कि इमरान खान साहब ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि चीन और अमेरिका को करीब लेके आए। तो रिसेंटली इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, और इससे पहले आपको याद है कि इन्होंने एक दफा ये भी कहा था कि हम सऊदी अरब और ईरान को भी करीब लेके आना चाहते हैं। तो वाय ये इस तरह की जो चीजें हैं ये क्यों कहते हैं और करते हैं? मतलब ये रेलिवेंट रहने के लिए करते हैं, या आप वाकई समझते हैं कि चीन ने ये इनको कहा होगा कि हमें अमेरिका के करीब करें इमरान खान साहब को, जबकि इनकी अपनी फोन कॉल जो है वो अभी तक नहीं आ रही। तो ये किस तरह ये इमरान खान साहब कहते हैं कि ठीक है कोर्ट, हम बेसिकली तो उनका शायद व्यू ये होगा, वो कहते हैं लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट, वो उनका मतलब तो ये होगा शायद कि जनाब हम जो है इनको क्रीप करेंगे तो शायद हमारी कोई रेलिवेंस भी बढ़ जाएगी और हम शायद कुछ ज्यादा अपना अपना स्टेचर बढ़ा सकेंगे कि देखो हम इस लेवल पे आ गए हैं कि हमने चीन और अमेरिका को करीब कर दिया। तो वो 70s की तो बात और है, जब हमने किसिंजर का ब्रेक थ्रू कराया था निक्सन दौर में, वो तो एक और दुनिया थी, एक और जमाना था। अभी तो जितने वो कनेक्टेड है, तो ये क्यों इमरान खान साहब कहते हैं, इसकी क्या आपके नजर में क्यों इमरान खान साहब को क्या मसला है इस हवाले से, क्यों कहते हैं इस तरह की बातें? इसके दो मसले हैं जी, एक तो ये है कि ही इज लिविंग इन बबल्स, ये मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा विशफुल थिंकिंग है उनकी और वो चीजों को बहुत बहुत ज्यादा आई डोंट नो कि ये मैज उनका एक माइंड सेट बन गया है कि वो इस तरह की विशफुल थिंकिंग रखते हैं, या फिर उनके पीछे कोई ऐसा ब्रेन है जो उनको इस तरह की ख्याली और अनरियल किस्म की तस्वीर दिखाता है दुनिया की, चूंकि उसको दुनिया की रियलिटीज और हार्श रियलिटीज का कोई पता नहीं। आप एकेडमिक और उस्ताद हैं, आपकी बात को मैं चैलेंज नहीं करता, लेकिन ये एक मिथ है कि हमने निक्सन और चीन के दरमियान फैसिलिटेशन की थी। अच्छा, वो एक अलग टॉपिक है, कभी आप उस पर मेरे साथ प्रोग्राम कर लें, मेरे उस पर बहुत बड़ा रिसर्च है। उससे 5 साल पहले जो है अमरीकी जो स्वारतकार थे वो चीनी स्वारतकारों के साथ मिल रहे थे जनाब, कम्युनिकेशन का एक बैकडोर चैनल खुला हुआ था जो बढ़ते बढ़ते जाके उस मुलाकात पे एंड हुआ। तो ये जिस तरह हमने बहुत सारे ऐसे ख्याली काम किए हुए हैं हिस्ट्री में, उनमें से एक ये भी है कि हमने चीन और पाकिस्तान के दरमियान अमेरिका के दरमियान कोई राबता कराया था। लेकिन अगर चले मान भी लें कराया भी था, तो राबता कराना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है और किसी तरह के मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करना या इख्तलाफात को दूर करना एक बिल्कुल दूसरी बात होती है। और मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो अमरीकी मफादात होते हैं जहाँ सामने आते हैं, वहाँ वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों से पूछ के अगला स्टेप नहीं उठाते, ना उनके उनकी मदद की ज़रूरत होती है। तीसरी बात जो है इसमें जो ज़्यादा अहम है, मैं समझता हूँ कि जिसका आपने जो सवाल है कि ये जिस तरह इन्होंने एक वक्त में ये फरमाया था कि हम सऊदी अरब और ईरान के दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म कर सकते हैं, ये एक मुहावरा है, एक सख्त इख्तलाफात का मुहावरा जिनको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, उनमें एक सऊदी और ईरान।
यानी नाकाबले जो हल किस्म की ये खलीज होती है दोनों मुल्कों के दरमियान, जिसमें रिलीजियस, पॉलिटिक्स, इकानमी, तारीख, सकाफत, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो आप समझते हैं, या हर कोई जो इन दो मुल्कों की स्टडी जानता है वो पता है कि इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। और अगर आप इतना बड़ा मसला हल करा सकते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान से आप अलग हुए कल, अभी 100 साल भी नहीं हुआ, आप लोगों के कल्चरल इनहेरिटेंस, हिस्टोरिकल बहुत सारी चीज़ें, जबान मुश्तरका हैं, कश्मीर के मसले में आप एक इंच ना उधर हो सके ना इधर हो सके, तो आप जाके जनाब इतनी बड़ी खलीज पाटना चाहते हैं खलीज फारस में, और अरबियन सी के दो अमीर तीन मुल्कों में जो तेल के जखायर पे बैठे हैं, और पॉलिटिकली और हिस्टोरिकली हर अतबार से आपसे 100 साल आगे हैं, उनकी तहजीबें हमसे ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा जो है वो हैं। तो इन हालात में जनाब बात ये करना मैं समझता हूँ कि विशफुल थिंकिंग है, इसकी जो है वो कोई अहमियत नहीं है। दूसरी बात ये है, सॉरी मेरे ख्याल में कोई थोड़ी डिसरप्शन हो गई थी, तो दूसरी बात यह है कि अमेरिका, आप देखें दो आवाज आ रही है, तो दूसरी बात जो है वो ये है कि अमेरिका और चीन के दरमियान, देखें ये दो सुपर पावर्स के दरमियान ऐसी बात करना मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जो है वो अपनी मजाक उड़ाने वाली बात है। आपको याद होगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने श्रीलंका में जाके हिंदुस्तान और श्रीलंका के इख्तलाफात दूर करने की, भाई आपको अपने हिंदुस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात दूर करना तो दूर की बात है, आप टेबल पे नहीं बैठ सकते आमने सामने, ये अलग बात है कि आपने खुफिया सारे चैनल खोले हुए हैं और अंदर ही अंदर आपने हर चीज पे सरेंडर कर दिया है, आपने जो आपकी स्ट्रेटेजिक लाइंस होती हैं उससे लेके कश्मीर इशू से लेके हर चीज पे आपने सरेंडर कर दिया है, और आपने इंडियंस को अंडर द टेबल ये यकीन दिलाया है कि हमारा और आपका कोई मुकाबला नहीं है, अपने अवाम की दिलजोई के लिए हम ये बयानात देते रहेंगे, आप जो मर्जी करते फिरें, और इस पे एक मल्टीपल किस्म की तस्दीकें आ चुकी हैं, वेरिफिकेशंस फ्रॉम डिफरेंट पैकेट्स। तो ये इसी तरह की बात है, अब चीन के साथ और अमेरिका के साथ दुनिया की दो सुपर पावर्स हैं, उनकी लड़ाई है, जाहिर है कि उनको अगर किसी फैसिलिटेटर की ज़रूरत है तो उसके लिए दुनिया के बड़े बड़े मुल्क तैयार हैं, लेकिन डेफिनेटली उनको इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं। एक यूएस कांग्रेस की एक पॉलिसी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट से लेकर पेंटागन तक और वाइट हाउस तक एक लगीबंदी पॉलिसी है, जिसका वो बिला किसी लगी लिप्ति के बार बार अजहार कर चुके हैं कि वो चीन के साथ अब सर्द जंग खत्म नहीं स्टार्ट कर रहे, अब उस सर्द जंग के अपने प्रोसेस में सिलसिला अमल में मुमकिन अगला कोई हल निकल के आए, चूंकि ये जाहिर है मैच्योर कंट्रीज हैं, इनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें, जरूरी नहीं कि ये लड़ाई पे जाके एंड अप हों, मुमकिन है ये कोई रास्ते निकाल दें जो बारगेनिंग के मुख्तलिफ इनके जो रास्ते हैं उनमें से किसी एक को अडॉप्ट कर लें, हम ये बात नहीं करते, लेकिन इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, जिस मुल्क का अपने सबसे करीब तरीन और सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकली सिमिलर किस्म का मुल्क इंडिया के साथ जो है वो किसी तरह की कोई राव रस्म नहीं हो सकती, जिसका अफगानिस्तान उसको आंखें दिखा रहा है, और कल उस वहाँ से जो है वो दहशतगर्दों ने आपके 5 फौजी मार दिए और आप कह रहे हैं हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, ईरान के साथ आप देख लें 3 पड़ोसी इन्हें रो जिनके साथ आपके ताल्लुकात जो है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं, तो सऊदी अरब था वो भी आप देख लें, आगे चलते जाएं आप एक मुल्क उठा के मुझे बता दें कि इसके साथ हमारा को बहुत ही करीबी ताल्लुक रह गया है जी, तुर्की पे झंडे उड़ाते थे आप, और पता नहीं क्या क्या कलमात आप देख लें कि तुर्की ने जो है नया टर्न लिया है, और जिस तरह इसराइल के साथ और जिस तरह इंडिया के साथ और दूसरे ममालिक के साथ उसने अपने इंटरेस्ट में जो है वो पेशकदमी की है, तो वो भी आपके लिए एक विलन बन के आ गया, तो आपका तो है ही कुछ नहीं, आप हर चीज को इंडिया की एनक से देखते हैं।
तुर्की कल तक इसलिए अच्छा था कि इंडिया के मामले में आपके साथ था, इधर उधर कश्मीर का एक दो जगह उसने नाम ले लिया, अब जाके उसने इंडिया को ड्रोन बेचने की कोशिश की तो विलन हो गया। अब जब आप जो इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी चलाएंगे दुनिया में तो आपका आखिर में जाके क्या बनेगा, मुझे इस बात पे वो है, क्योंकि इस तरह मुल्क नहीं चलते, ना इस तरह फॉरेन पॉलिसीज चलती हैं। आपने एक एक, एक, एक बुनियाद बनानी होती है फॉरेन पॉलिसी की कि हमें दुनिया में क्या गोल्स हैं हमारे, ये नहीं है कि हम दूसरे को देख के दूसरे की खूबियों या खामियों को सामने रख के आप अपने रास्ते नहीं बना सकते, उसके लिए आपको अपनी एक क्वालिटेटिव जो है एंगेजमेंट वो जरूरी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जारी बात है साहब, ये इसको एक शॉर्ट टर्म चीजें नहीं देखनी चाहिए एक तो जारी बात है, और ये कॉन्स्पिरेटोरियल मॉडल जो क्रिएट किए जाते हैं कि हमें शायद खतरा है, ठीक है खतरा सबको ही होता है, लेकिन इसको इस तरह हाईलाइट करना और वो अपनी जो है एज ए टूल इस्तेमाल करना टू विन सिंपथीज ऑफ द मासेस वो एक चीज़ है। और इससे पहले जिस तरह आपने सऊदी अरब और ईरान का जिक्र किया, हमने नवाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की, इमरान खान साहब ने भी कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक बस एक बहस ब्राय बहस ही है और ये अपना मजाक उड़ाने की बात है। मैंने नहीं सुना कि कभी दुनिया के दो ममालों को कोई रोल प्ले करना हो, बल्कि सऊदी अरब और ईरान ने इराक को रिक्वेस्ट की है और इराक उनके दरमियान रोल प्ले कर रहा है, वो अपने एक एथनिक सपोर्टेड कंट्री के पास जाएंगे, ना कि वो हमें तो वो मानते ही नहीं, हमारे तो किरदार को नहीं मानते, और बल्कि हमने तो उनको सऊदी अरब को तो हमने अफगानिस्तान में स्पेस नहीं लेने दी, बहुत सारे हमारे भी अपने मिसाइल चल रहे हैं। बट एनी हो ये एक चलता रहता है कि हमारी लीडरशिप इस चीज़ को एंजॉय करती है और अपना एक